बचपन का प्यार गाना गाकर रातों रात सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले सहदेव दर्दों का एल्बम रिलीज हो गया है। लोगों ने गाने को इतना पसंद किया कि रिलीज होते ही एल्बम यूट्यूब पर छा गया। एल्बम को रिलीज होने के महज एक घंटे के अंदर 10 लाख लोगों ने देख डाला। 7 घंटे के अंदर इस गाने को 70 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। इस गाने में सहदेव का साथ दिया मशहूर रैपर बादशाह ने। सहदेव और बादशाह का बचपन का प्यार एल्बम यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। गाने में सहदेव का कूल और डैशिंग लुक लोगों को देखने को मिल रहा है। सहदेव गाने में किसी रॉकस्टार की तरह परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। सहदेव ने एल्बम में भी अपने वायरल लाइंस को गाया है। बचपन के प्यार गाने के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हैं, तो वहीं गाने का म्यूजिक हितेन ने दिया है। गाने की धुन ऐसी है जिसे सुनकर कोई भी झूमने पर मजबूर हो रहा है। गाने में सहदेव की एक क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखाई गई है। सहदेव और बादशाह के इस वर्जन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही लोग बादशाह की तारीफ में कह रहे हैं कि बादशाह ने सहदेव के फ्यूचर को भी सिक्योर कर दिया है। इस गाने से वायरल हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सहदेव को अब पूरा देश जानता है। खबरों की माने तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाले सहदेव ने अपनी टीचर्स के डिमांड पर ये गाना गाया था, जिसके बाद उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और वो रातों रात स्टार बन गए। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।